मदनी चैनल के नाज़रीन, आज शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी हमारे मदनी मुज़ाकरे में शरीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। नियत मेरी यह है कि मुझे आना है, जाना भी चाहिए, इरादा मेरा यह है कि मैं इसे पूरा करूँ। हमारे लिए एक रहनुमाई है, जितने भी लोग हैं शोबिज़ के वो शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितने हमारे शोबिज़ से वाबस्ता लोग होंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि अपने साथ साथ लेकर आए, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं आऊंगा, जरूर आएंगे, जाना तो है, अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। इंशाअल्लाह मैं तो जरूर और मेरे वाले सब आफ्ताब आलम साहब जरूर शिरकत करेंगे उसमें। मैं समझूंगा कि मैं लेने जा रहा हूँ, देने नहीं जा रहा। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावते सलाम तेरी धूम मुझे हो, ऐ दावते सलाम तेरी धूम मुझे हो। हम फनकारों को भी इंशाअल्लाह मस्जिद भरो तहरीक के रिजाकार बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी लड़ाई शैतान से है, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। और शैतान से लड़े के पठान से लड़े, शैतान से लड़े के मुआजिर से लड़े, शैतान से लड़े के पंजाबी से लड़े। हम पंजाबी, मुआजिर, पठान, उर्दू, सिंधी सब मिलकर शैतान से लड़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कुरान ने क्या फरमाया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमारी जिंदगी का मकसद पैसे कमाना नहीं, खुदा और मुस्तफा को मनाना है। तो पैसे देकर नहीं मना सकेंगे, हम इबादत करके उनको राजी कर सकते हैं। जाहिर है कि हर एक जानता है कि हर कमाल को जवाल है। कई फनकार उठे 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 आखिरकार क्या हुआ, बुढ़े हो गए, आवाज बैठ गई। अब वो इनके आज़ा में वो हरकत न रही जिसकी वजह से वो फनकारी का मुजाहरा कर सके। क्या हुआ, आखिरकार मौत के घाट उतर गए। ईसा अलैहि सवाब किसने करना है, फिर उनकी याद में मजीद वो फिल्म शो होते हैं जिसमें कोई खैर नहीं है, शरी शर है। इस तरह कितने फनकार दुनिया से चले गए, खुदा जाने के कब्रों में इनके साथ क्या हो रहा होगा। नजा की एक तो सख्तियां इतनी कि बस रू जो है वो पाओ से निकलना शुरू होगी। और रिवायतों का ये खुलासा है कि वो जैसे कि वो नस नस में कांटेदार शाखें चुभी हुई हैं और कोई मजबूत शख्स टांगों की तरफ से उन शाखों को खींच रहा है, उस सर से वो खींचना शुरू होंगी और फिर ये हर नस से वो निकल कर खींचते 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 वो टांगों से खींचेंगे और रूह निकलेगी और फिर कहीं जाकर मतलब यानी कि समझोगे हम बोलेंगे कि इसका इंतकाल हो गया। ये अरे गुनाहगार की है ज़माना, जब आखिरी वक्त आए मुझे भूल न जाना। अंधेरी ओ बेर
मुर्शिदी, अंधेरी कब्र का तस्करा हो रहा है दुनिया में, तो हम अकेले एक कमरे में भी नहीं रह सकते। हाँ। यहाँ लाइट चली जाए तो बेचैनी हो जाती है, कब्र तो दो गज की होगी, अगर उसमें भी अंधेरा हुआ तो हमारा क्या बनेगा। या मुर्शिदी, ये बताइए कि वो कौन से आमाल हैं जो किए जाएं तो कब्र की वहशत दूर हो जाएगी, कब्र में अकेलापन ना लगेगा, कब्र का अंधेरा हमें ना सताए, कब्र के सांप और बिच्छू हमें ना खाए। हमें ऐसे अमाल बताइए कि जो इस दुनिया में रहकर हम कर ले तो कब्र की इन वहशतों और दहशतों से महफूज हो जाएं। अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, आयंदा गुनाह ना करने का अहद हो, नमाजों की पाबंदी हो, वाजिबात फराइज की तरकीब हो, रिस्क हलाल हो, गुनाहों के जराए छोड़कर हरगिज ना मरे, गुनाहों से बचता रहे, अल्लाह ताला की नाराजगी से बचता रहे। इसके बारे में मालूमात हासिल करे कि मेरी रोजी किस तरह हलाल हो, किस तरह मैं जायज तरीके पर अपनी औलाद की तरबियत करूं, अपने घर वालों की खिदमत करूं, इस तरह ही के पूरी जिंदगी को ऐन शरीयत के सांचे में ढालना होगा। जन्नत में ले जाने वाले अमाल बजा लाने होंगे, जहन्नम में झोंकने वाले अमाल से बचना होगा। जो भी काम करे, धंधा करे, कारोबार करे, उसको स्कैनिंग करवा लेनी चाहिए किसी मुफ्ती से। दारुल इफ्ताए सुन्नत आपकी खिदमत के लिए हाजिर है कि भाई हम ये काम करते हैं, कौन सा काम दुरुस्त है, कौन सा गलत है। अगर वो फरमाए कि भाई ये गलत है, इसको निकाल दो, ये निकाल दे, ये दुरुस्त है, इसको बाकी रखो, और ये जो गलत है इसमें यूं यूं कर लो तो ये दुरुस्त हो जाएगा, तो यूं कर लो। या अगर ये फरमाए कि भाई पूरे का पूरा 100% तुम्हारा काम गलत है, तो फिर अल्लाह के खौफ से उसको छोड़ो। यानी कि मौलाना बातें करता है, नहीं, जो भी शरीयत का हुक्म बताए लबैक उसको कर ले। अपने कारोबार को उमूमन लोग समझते होते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। अब जैसे फनकार तशरीफ लाए, खुद ज्यादा समझते हैं कि मेरा काम कितना दुरुस्त और कितना अच्छा है, आया अच्छा है या आया बुरा है, शर है खैर है, ये सब समझते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके अपनी आखिरत पर गौर फरमाइए कि मेरी आखिरत किससे बेहतर बने, क्योंकि हमारे चाहने वाले तो हमको मस्के लगा लगा कर हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि हमारा इतना कमाल हो इस हाल में मौत आए कि जनाजे में भीड़ भाड़ हो जाए, लेकिन कब्र में एक भी नहीं आएगा, एक भी, हम होंगे, हमारी कब्र होंगी। और कब्र इस तरह दबाएगी जिन पर रब नाराज हुआ, जिस पर गजब हुआ, कि पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में घुस जाएंगी। सांप और बिच्छू, आग का लिबास, कब्र आग का गड़ा, है ना, हदीस शरीफ है ना कि कब्र किसी के लिए जन्नत का बाग तो किसी के लिए जहन्नम का गड़ा होगी। अगर नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जहन्नम का गड़ा हमारे लिए कब्र बन गई तो, कि बज़ाहिर अमल तो ऐसे ही हमारे, अब वो करम हो जाए और छुटकारा मिल जाए, बाकी अमल हमारे अच्छे नहीं है। हमें सबको सोचना चाहिए। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली जमीन अंदर समाना है। मदनी कसौटी बुझे तो जाने। बापा आज कौन बुझेगा? 24 के स्थाई वायु तशीफ लाए, अगर तैयार होते तो मेरी मुरादी शख्सियत ये बताते। पापा अब ये पहली बार आए, थोड़ा सा आसान सवाल अगर हो जाए।
تو انشاءاللہ یہ پہنچ جائے. چلو میں مرادی شخصیت تبدیل کر دوں. جی باپا کوئی آسان سبحان اللہ. اب نہ پہنچے تو ان کے نصیب. 11 سوالات میں ہمیں پہنچنا ہے تو باری باری ایک ایک سوال کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ مرد ہیں؟ نعم سبحان اللہ. پہلا پاسا تو صحیح پڑھا ہے. باپا جان کیا وہ ظاہری ہے ابھی حیات؟ لا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہندو پاک کی شخصیت ہیں برے صغیر کی؟ لا. کیا وہ صحابی ہیں؟ لا. چار سوال ہو چکے ہیں صرف ایک نعم ہوا ہے. میں اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ وہ مدینے میں ہیں؟ لا. کیا نبی تو نہیں ہے؟ لا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ان کا تعلق بغداد سے ہے؟ نعم. بغداد میں بہت سارے اولیاء کرام ہیں. غزالی قبرستان ہے, زبیدہ قبرستان ہے جس میں نبی بھی ہیں, اور بیل الدانا بہت مشہور بزرگ ہیں, اور جنید بغدادی, اور ہمارے غوث اعظم بھی ہیں, پھر ان کے احاطے میں ان کے شہزادگان بھی ہیں. دیکھو بغداد تو عروس البلاد ہے, بہت بڑا شہر ہے, اور بے شمار اولیاء کرام جن کا تذکرۃ الاولیاء میں تذکرہ ملتا ہے وہاں تشریف فرما ہے. اب دیکھو کس کے قدم پکڑتے ہیں یہ. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن شخصیت کو آپ نے پوچھا ہے وہ سید سے ہیں؟ نعم. جن ہستی کے بارے میں یہ اس وقت کوئز پروگرام چل رہا ہے, پہلے میمن کو انہوں نے ہی مسلمان کیا تھا؟ وہ اس بات کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں جی. تو یہ ہے تو جواب تو مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے. حضرت شیخ یوسف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام یاد پڑتا ہے, جو ہند میں آئے تھے, انہوں نے لوہانا قوم کو نیکی کی دعوت دی تھی. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا تھا کیا وہ شہداء کربلا سے تعلق رکھتے ہیں؟ لا. بغداد سے کربلا سے تعلق نہیں ہے جی. اب آخری سوال ہے نا. اچھا ایک تلفظ کی بابا اصلاح. واہ واہ واہ, یہ بھی اصلاح ہو رہی ہے سبحان اللہ. یہ صحیح تلفظ ہے شہداء, صحیح. ہاں پر زبر آئے گا, شہید کی جمع ہے شہداء. شہدا ہاں کو ساکن پڑھنا جو ہے نا یہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں. شہدا مانے لچا, بدماش, داداگیر, ان کو شہدا بولتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو کربلا کے ساتھ بس غلط پڑھ لیتے ہیں لوگ, پتہ نہیں ہوتا معنی, اصل لفظ شہدا ہے کربلا. چلیں آخری سوال. اچھا میں پوچھ رہا ہوں پہلوان تھے؟ لا. 11 سوال ہو چکے. توبہ سے پہلے پہلوان تھے. جنید بغدادی بھی نہیں ہے. اب نام لینا ہے. وہ جنید بغدادی نہیں ہے. اچھا اب ایسا کرتے ہیں اتفاق رائے کرتے ہیں نا سب کی, اتفاق رائے مشورہ کریں. چلے بھائی یہاں بابا کچھ اتفاق رائے ہوا ہے آگے والوں سے, آپ کا کیا رائے ہے؟ اب نام کون لیں گے؟ اچھا بابا اب نام لے رہے ہیں ہم انشاءاللہ اتفاق کون لے رہے ہیں؟ یہ تو ایک ہی کو جانتے ہیں, یہ ایک کو جانتے ہیں لگتا ہے صحیح ہے. ایک ہی پوچھے گا حضرت, میں ایک کو ہی جانتا ہوں اور وہی پوچھا تھا سب کے قدموں تک. حضرت غوث اعظم پیرانے پیشگی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست ہے. استغفر اللہ. اللہ 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 یہاں موجود اسلامی بھائی اور ہمارے جو فنکار اسلامی بھائی ہمارے پاس آئے ہیں ان سب کو مرحبا کہتا ہوں. چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور غوث پاک ہی کی بات ہوئی ہے, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو بڑا اچھا موقع ہے, میں امیر اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو پیران پیر, پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل فرما دیں. مرید ہوتا ہوں میں, مرید ہوتا ہوں میں خاندانے خاندانے عالی شان عالی شان قادریہ
قادریہ رضویہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا ہاتھ تھا وہ پورا ہو گیا ہے. سبحان اللہ کتنے چکر لگایا لیکن مل نہیں سکتا. تمہارا تو خواب پورا ہوا ہے, میں نے تو ہاتھ ہی نہیں چھوڑا ہے. میں وابستہ ہوں دعوت اسلامی. الحمدللہ پاپا سے آج ملاقات ہو گئی, آج میرا خواب پورا ہو گیا, میرا گفٹ آپ لوگ نے مجھے دی. بس شکر مالا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے, دعا ہے یہ تجھ سے دل کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی
खुदा मदनी महान, हमें आलिमों और बुजुर्गों के आदाब, हमें आलिमों और बुजुर्गों के आदाब सिखाता है हरदम सदा मदनी माहौल, सिखाता है हरदम सदा मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, है इस्लामी भाई सभी भाई भाई, है इस्लामी भाई सभी भाई भाई, है बेहद मोहब्बत हरा मदनी माहौल। इस दरबार में मैं आज आया था, मोहम्मद इलियास कादरी अत्तारी साहब से मुलाकात हुई, अब मेरे पास कोई ये लफ्ज़ नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मैंने हज़रत इलियास कादरी साहब के साथ बैठकर खाना खाया, उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, मेरे घर के लिए खाना दिया, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बाप से बहुत प्यार करते थे, मेरा बाप का नाम लेकर पुकारा, इससे बड़ी मुझे सआदत क्या मिलेगी। मैं तो ये कहूँगा कि माशाल्लाह जो एक ख्वाब की तरतीब थी मेरी वो आज पूरी हुई है मुलाकात में, क्योंकि ये आज जो मुलाकात हुई है मेरी, आप यकीन जानिए कि मैंने ख्वाब देखा था कि मेरी मुलाकात हो रही है। बाबा जान ने माशाल्लाह अपने हाथों से जो खाना हमें खिलाया है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कर, ऐसा लग रहा था कि हम लोग माशाल्लाह मदीने में पहुंचे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत रूपरवर मनाजिर थे और बहुत अच्छा बयान फरमाते। मुझे तो ये ख्वाब लग रहा है, यकीन जानिए मुझे यकीन ही नहीं आ रहा अब तक कि मैं इनसे मिला हूँ, इनके हाथों से मैंने निवाला खाया है, और मेरा ये ख्वाब जो है कभी टूटे ही नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ। जिसको फैज़ हासिल करना है वो फैज़ान मदीना आएगा, मेरा तो यही पैगाम है तमाम फनकारों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आज हमें उस वली कामिल का न सिर्फ दीदार बल्कि फैज़ कुर्बत नसीब हुई, जिनके फैज़ से लाखों इमाम सजे, लाखों नमाजी बने, जिनके एक दीदार के लिए लोग लाखों करोड़ों लोग तरसते हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें फैज़ नसीब हुआ। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, उतरा था ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई ईद है, कोई ऐसा समा है खुशी का, एक चेंज है, हम लगा नहीं कि हम कराची में रहते हैं, मैं इसी जगह पे जा रहे हैं। आज जो मुलाकात हुई है ये मैं अपने अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता, क्योंकि बाबा जान ने जिस प्यार से हमारी मेज़बानी करी थी और जिस तरह हमने देखा बाबा जान खुद हमें खाना सर्व कर रहे थे, तो मैं नहीं समझता कि हमारे लिए इतनी बड़ी बात हो गई है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे लिए ज़िंदगी में ये मौका, मुलाकात का इस तरह मौका आएगा और बाबा जान हमें अपने हाथों से खिलाएंगे, तो मैं समझता हूँ आज हमारा बहुत अच्छा नसीब था। मैं काफ़ी टाइम यहाँ आता था ना, तो बड़ा मेरा दिल था कि मैं हज़रत साहब से मुलाकात करूँ, उनका दीदार करूँ, तो हो नहीं पाता था, खाली दूर से देखता था और चले जाता था, तो आज वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ है जब मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने बाबा जी बैठे हैं और आ रहे हैं, फिर मैं गले लग रहा हूँ उनसे, फिर एकदम रो पड़ा, पता नहीं मैं ऐसा जैसे कभी मिला ही नहीं, फिर लग गया गले के, समझ नहीं आ रहा था, बस अंदर से कूट कूट के बाहर होने लग गया बस। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।